दोस्तों एक समय ऐसा लग रहा था कि विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है, लेकिन एक बार फिर इन दोनों के बीच कल के खेले गए मुकाबले के दौरान जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। बीच मैदान में विराट कोहली ने कैच लेने के बाद सौरव गांगुली को आंखें दिखाई, तो वहीं मैच खत्म होने के बाद गांगुली ने भी विराट कोहली से नहीं मिलाया हाथ। हालांकि इस दौरान देखा गया कि रिकी पॉन्टिंग विराट कोहली और सौरव गांगुली को आपस में मिलवाते दिखे, तभी इतने में सौरव गांगुली आगे निकल गए और दूसरे प्लेयर से हाथ मिलाने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच ये सब क्या चल रहा है, तो आपको बता दें कि विराट और सौरव गांगुली के बीच अनबन 2021 से शुरू हुई थी। उस समय विराट कोहली भारतीय टीम के कप्तान थे और सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। तब विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की थी। टी20 कप्तानी छोड़ने के बाद उन्हें वनडे की कप्तानी से हटा दिया गया था। बोर्ड की तरफ से कहा गया कि वनडे और टी20 में एक ही कप्तान रहेगा। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उस समय दावा किया था कि उन्होंने विराट को खुद टी20 की कप्तानी छोड़ने से मना किया था, लेकिन विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें किसी ने कप्तानी छोड़ने से मना नहीं किया। वनडे की कप्तानी जाने के एक महीने बाद विराट ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी थी। तभी से इन दोनों के बीच विवाद चलता आ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच की कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।